दोस्तों सुजलोन एनर्जी की अगर हम बात करें तो आज इसने फिर से साबित किया है कि 8 रुपीज़ का इसका मजबूत सपोर्ट है और इसके ऊपर आने वाले समय तेजी का ही संभावना बनेगी, नीचे की तरफ इसका जाने की संभावना काफ़ी कम है। जैसे ही स्टॉक नीचे जाता है फिर से इसको 8 का सपोर्ट मिल ही जाता है, यानी स्टॉक बहुत जल्द बाउंस बैक भी दे देता है। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पे ये इसको एक मजबूत सपोर्ट मिल चुका है और आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सुजलोन एनर्जी की बात करें तो एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल दिख रहा है, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करी है उसमें सरकार ने बहुत सारी संभावना तलाशी हुई है, सरकार के बहुत सारे सपने हैं और ऐसे में सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा तो ये स्टॉक आने वाले समय मल्टीबैगर बन सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे, कुछ बड़ी डील हुई है जिनको समझेंगे और यहाँ पे तेजी नहीं बनी इसके पीछे की वजह को भी जानेंगे कि वो स्टॉक तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और ये पेनी स्टॉक्स जितने भी है इस समय काफ़ी तेज़ी से नीचे आए, लेकिन अभी फिलहाल इसमें रिकवरी हो नहीं पा रही है, सभी के सभी स्टॉक नीचे। कब पेनी स्टॉक के अंदर फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में आपके लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पे न्यूज है, आप देख सकते हो कि हमने अपने चैनल पे ज्वाइन सर्विस शुरू कर दी है, आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आपको 119 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे करना होगा, इसके बदले में आपको बहुत सारी सर्विस मिलने वाली है, जैसे कि आपको यहाँ पे लॉयल्टी बैज मिलेगा जिसके माध्यम से आप देख सकते हो कि आपके कमेंट के आगे एक स्टिकर होगा जो आपको दूसरों से हटके साबित करेगा। इसके अलावा आपकी जो भी कमेंट्स होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे और आने वाले समय इसमें और बहुत सारी आपको दूसरी सर्विस भी मिलने वाली है, तो इस सेवा का आप लाभ ले सकते हैं और इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम सुजलोन की बात करें तो आज लगभग शुरुआत तो पॉजिटिव थी और क्लोजिंग भी लगभग पॉजिटिव हुई, बड़ी तेजी नहीं बनी, इसके पीछे वजह है निफ्टी एनर्जी। देख सकते हो कि 23,207 के स्तर पर मात्र 0.09% की तेजी थी, यानी बिल्कुल फ्लैट कहेंगे निफ्टी एनर्जी को। अब सुजलोन एनर्जी की बात करें तो आप देख सकते हो शुरुआत 8 पर हुई और कल की क्लोजिंग 7.95 की थी, स्टॉक की शुरुआत 8 पर हुई यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। 7.90 का इंट्राडे में लो बना, यानी स्टॉक कुछ समय के लिए निगेटिव बनता हुआ आपको दिखाई देगा, हाई बना 8.10 का, अंत में क्लोजिंग 8 पर ही रही। अब इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे खरीदारी और बिकवाली का बैलेंस एक जैसा ही रहा, कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी भी किया और किसने बिकवाली भी किया। पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो सुजलोन में इस समय 11% की हमें तेजी देखने को मिल रही है, स्टॉक 7 के आसपास था एक महीने पहले, तो उस हिसाब से इसने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिया है। अब यहाँ पे वॉल्यूम में भी जबरदस्त वृद्धि हुई, आज पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल काफ़ी कम वॉल्यूम था, यानी कल यानी फ्राइडे के दिन 2 करोड़ का वॉल्यूम था और 87 लाख की ही डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज फिर से 5 करोड़ का वॉल्यूम आ, तो वॉल्यूम में जबरदस्त वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, लो कार्बन हाइड्रोजन है जो आगे जाके क्लीन एनर्जी का सोर्स बन सकता है, एक नया फ्यूल। और आप देख सकते हो कि जो लिथेनियम बेस्ड बैटरीज है उसका अल्टरनेटिव भी ये बन सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो कि इससे बेनिफिट मिलने वाले लो हाइड्रोजन के माध्यम से। तो ये लो कार्बन हाइड्रोजन जो है यह निर्माण करने में सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का होगा, उसके माध्यम से ही हाइड्रोजन का निर्माण हो सकता है। सरकार ने जो अपना गोल सेट किया 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है और ऐसे में ज़्यादा मात्रा में हमें ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करना होगा और इसके लिए जरूरी है कि सोलर एनर्जी विंड एनर्जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उसका आप देखें तो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और उसके लिए ज़रूरी है स्टोरेज, और स्टोरेज की प्रॉब्लम भी यहाँ पर आप देख सकते हो लो कार्बन हाइड्रोजन के माध्यम से हो सकती है। तो ऐसे में एक दूसरे का ये देखते सर चोली दामन का साथ इसको कहेंगे हम, हाइड्रोजन और यहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी को, और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इस कैपेसिटी को इंस्टॉल करने का मतलब ये है कि सरकार अपना जो गोल है समय से पहले पूरा कर सकती है, तो इसके लिए सरकार ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी है। हाइड्रोजन की डिमांड की बात करें इंडिया में देख सकते हो कि 6 मिलियन टन के आसपास थी 2020 में, जो बढ़ के 29 मिलियन टन तक पहुँच जाएगी 2050 तक, और देख सकते हो 94% जो डिमांड है वो 2050 तक हाइड्रोजन के माध्यम से यानी ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से पूरी हो जाएगी। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है एक तरह से देखें तो ये लो कार्बन हाइड्रोजन कहा जाता है इसको, और इसको पानी के माध्यम से जब विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी की ऊर्जा को गुजारा जाता है तब उससे ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो ये आप देख सकते हो एक बड़ा सपना है और इसमें सुजलोन एनर्जी का बड़ा योगदान होने वाला है। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यह देख सकते हो यूनिकॉप टेक्नोलॉजी है जो ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं लेह में, और आप देख सकते हो 2023 इस साल के अंत तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, और इस ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट के माध्यम से आप देख सकते हो कि बहुत सारी ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा
और इस ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के ये जो प्रोजेक्ट है यह एक तरह से एक गेम चेंजर साबित होने वाला है इस ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस समय निकल के आ रही है। सरकार जिस तरह से लगातार बहुत सारे प्रोजेक्ट ला रहे, बहुत सारे नए टेंडर जो इस समय प्रक्रिया के दौर में गुजर रहे, इसके अलावा देखें तो दूसरी जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, विश्व के काफ़ी देश हैं जिसमें यूएस भी शामिल है, वो भी इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं, यहाँ पे वो फाइनेंशियली यहाँ पे सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये सारी जो बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज स्विट्जरलैंड में जो खास तेज़ी नहीं बनी, यानी क्लोजिंग तो पॉजिटिव है लेकिन तेज़ी नहीं बन पाई, इसके पीछे वजह है एफआई पिछले काफ़ी दिनों से, यानी 17 अप्रैल से ही वो लगातार बिकवाल बने हुए, और एक दिन भी आपको यहाँ पे उनकी खरीदारी दिखाई नहीं देगी, यानी हर दिन हमें बिकवाली ही दिखाई देगी। आप देख सकते हो आज भी उन्होंने 412 रुपीज़ की बिकवाली की है, और फ्राइडे को उनकी बिकवाली काफ़ी ज़्यादा थी, 2116 रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की थी। तो लगातार ये आंकड़ा निगेटिव है और इसी वजह से भी थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हो रहा है। अब बाजार को जो संभाला वो है डीआई ने, आज डीआई ने 1177 रुपीज़ की नई खरीदारी की, फ्राइडे को भी उन्होंने 1630 रुपीज़ की खरीदारी की, इस वजह से बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया। तो हमारे इंडिया के फंड हाउस खरीद रहे लेकिन बाजार में एफआई इस समय पैसे निकाल रहे हैं और इसी वजह से थोड़ा सा बाजार में सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। अब आज ये आंकड़े भी आपको इशारा करते हुए दिखाई देंगे कि यहाँ पे जो स्विट्जरलैंड में भी कुछ बिकवाली बढ़ी हुई है, कुछ खरीदारी भी हुई है। आप देख सकते हो कि सुबह 9:28 पर 8.05 की प्राइस से यहाँ पर देख सकते हो करीब 22,47,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद देख सकते हो 10:28 पर 7.95 की प्राइस से 10,72,000 शेयरों की एक और फिर से बिकवाली हुई, लेकिन फिर 12:53 पर 7.95 की प्राइस से 21,76,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:29 पर 7.97 की प्राइस से 10,00,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो ये बात तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि बड़े फंड हाउस यानी एफआई इस समय बाजार में बिकवाल है और उनका कुछ बिकवाली का अंश आपको यहाँ पे स्विट्जरलैंड में भी दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ पे तेजी बन नहीं पा रही है। लेकिन एफआई की पहली पसंद है, जैसे ही बाजार में एफआई फिर से लौट के आएंगे, खरीदारी शुरू होगी, यह स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो जाएगा। आप ये देख ही सकते हो मार्च 2022 में जहाँ पे उनकी 5.52% की होल्डिंग थी, वो मार्च 2023 में बढ़कर 7.64% तक आ गई है, यानी लगातार वृद्धि हुई है। और पिछले दिसंबर के मुकाबले भी यहाँ पे होल्डिंग लगभग वैसी एजिट है, और जबकि उन्होंने इस समय दिसंबर के क्वार्टर में बहुत सारे अपनी होल्डिंग बेची थी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्विट्जरलैंड में अपनी निवेश को नहीं बेचा, एक पॉजिटिव ट्रिगर है। अब यहाँ पे इसकी जो सबसे बड़ी मजबूती की बात है कि तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा भी है। मार्च 2021 में देख सकते तो कंपनी का सेल्स 3,346 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो स्टीटीएम 6,751 को अभी तक पहुंच गया, एक तरह से देखिए तो दुगुना हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हो कि मार्च 2021 में 537 को रुपीज़ के आसपास था, जो स्टीटीएम 816 को अभी तक पहुंच गया, ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा अदर इनकम भी देखें तो मार्च 2021 में 823 को रुपीज़ के आसपास थी, जो स्टीडियम 2487 को रुपीज़ के आसपास पहुंची। अब ये अदर इनकम जो बढ़ी है इसमें पूरा मामला है जो प्रॉफिट में बदला था पिछली बार। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हो मार्च 2021 में 104 रुपीज़ के आसपास था, जो स्टीडियम 2362 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया, जिसमें बड़ा योगदान अदर इनकम का भी है। लेकिन कुल मिला के देख सकते हो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे इसकी लाइबिलिटीज भी लगातार कम हो रही है। मार्च 2021 में यहाँ पे 6,601 रुपीज़ के आसपास थी, जो सेप्टेम्बर में घट के 5,893 रुपीज़ के आसपास पहुंच गए, यानी लगातार लाइबिलिटीज कम हो रही है और कैश फ्लो में वृद्धि हुई है। मार्च 2021 में यहाँ पे 180 रुपीज़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में 238 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। तो कंपनी की सेहत अंदर से सुधर रही है और पिछले 10 साल में सबसे शानदार समय स्विट्जरलैंड आपको प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। इसकी सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है, सरकार की रहमो करम है इस समय स्विट्जरलैंड के ऊपर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।